दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी गांव के लड़की को या किसी भी गांव के औरत को कैसे पटाएं। दोस्तों, मान लो कि आप किसी ऐसे लड़की से प्यार करते हो जो हमेशा गांव में रहती है। दोस्तों, गांव और शहर में एक फर्क होता है, सोच का फर्क। इनका कल्चर अलग होता है। तो दोस्तों, गांव की मेंटेलिटी अलग होती है, तो ऐसे मेंटेलिटी की लड़की को कैसे पटाया जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी गांव की लड़की को पटाना या किसी गांव के औरत को अपनी जीवन साथी बनाना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी गांव की लड़की को पटाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको लोगों की इज्जत करना पड़ेगा, और खास करके उस लड़की के सामने लोगों की इज्जत करना होगा। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि किसी भी लड़की को पटाना है, तो हमें लोगों की इज्जत करनी आनी चाहिए, यानी कि लड़कियों की इज्जत करनी आनी चाहिए। लेकिन गांव के मामले में ये थोड़ा हेवी हो जाता है। आपको लोगों से और ज़्यादा इज्जत से बात करनी होगी, लोगों को और ज़्यादा इज्जत देनी होगी, क्योंकि गांव में बहुत ही कम लोग होते हैं। ये लोग रोज़ाना एक दूसरे का शक्ल देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो आपको यानी कि इज्जत, यानी किस तरह की इज्जत देना है, जैसे कि आप मान लो कि आप कहीं से जा रहे हो और सामने से कोई आ रहा है, तो आपको उनको हाय बोलना है, राम राम बोलना है, या कैसे हो, आपको ये बातचीत करनी है। ये गांव में इज्जत देने का एक तरीका है। तो दोस्तों, अगर आप किसी गांव की लड़की को पटाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि उनको देखकर आपको क्या बोलना है। उनको देखकर चुप रहना ये बिल्कुल अशिष्टाचार माना जाता है, इसलिए हमेशा शिष्टाचार में रहे। उनको देखकर या तो राम राम बोलो, या हाय बोलो, या कुछ ऐसा बोलो जैसे कि आप कैसे हो या कहाँ जा रहे हो, कुछ ना कुछ बातचीत ज़रूर करो। सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों की इज्जत नहीं करोगे, लोगों के बातों का रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो वो औरत आपको समझेगी कि ये तो शहर का बंदा है, ये शहर से आया हुआ टपोरी है। वो लड़की आपसे कभी भी नहीं पटेगी। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं जो कि गांव में रहती है, तो सबसे पहले तो उसके आसपास के लोगों की आपको इज्जत करनी होगी। दोस्तों, नंबर दूसरा तरीका है, अगर आप किसी गांव की लड़की को पटाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस लड़की से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब गांव की लड़की से अगर आपकी दोस्ती हो जाती है, तो उसके सामने कभी डायलॉग बाजी मत करो, उसके सामने सीधी बात करो। ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है गांव की लड़की को पटाने का। दोस्तों, वो सब शहर में ही अच्छा लगता है, जैसे लड़का आता है, डायलॉग बोलता है और लड़की को पटा ले जाता है। लेकिन गांव का माहौल थोड़ा संकुचित होता है, यहाँ पर शेरो शायरी से काम नहीं होता है, यहाँ पे बस सीधी रियलिस्टिक बातें ही चलती है। दोस्तों, अगर आप गांव की लड़की को पटाना चाहते हो, तो उससे बहुत सारे बड़े वादे मत करो, क्योंकि गांव की जो लड़कियां होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचती है। अगर आप उसके सामने बोलोगे कि मैं तुझे हेलीकॉप्टर में घुमाऊंगा, या हम घूमने के लिए शिमला जाएंगे, या कोई बड़ा डेस्टिनेशन, या कोई बड़ी बात करोगे, तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगी, या वो आप पर भरोसा ही नहीं करेगी। उनके साथ छोटे छोटे प्लान्स बनाओ, उनके छोटे छोटे वादे करो, जैसे उनको बोल दो आज शाम को मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा, उनको बोलो आज शाम को हम लोग वो होटल में खाना खाएंगे, उनसे बस इतने ही वादे करो। गांव की लड़कियां रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं। गांव की लड़कियों के लिए रिलेशन का मतलब सिर्फ कपल ही नहीं होता, गांव की लड़कियों के लिए रिलेशन के लिए उनके माता पिता, उनका भाई बहन, उनका पूरा फैमिली होता है। तो अगर आप किसी गांव की लड़की को पटाना चाहते हो, तो उनके सामने कभी ये बात मत करो कि मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सामने हमेशा हम की बात करो, कि आप गांव की लड़की को बोल सकते हो कि हम साथ में रहेंगे, हम साथ में ये घर में रहेंगे, या हम साथ में एंजॉय करेंगे। उनके सामने ये हम वाला फंडा अपनाओ, तो देखना वो लड़की आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप गांव की लड़की को पटाना चाहते हो, तो फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करो। फॉर्मेलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, तो काम करने से पहले इजाज़त ज़रूर ले लो। देखो, हमारे शहर में ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हर बात के लिए इजाज़त लेते रहे, लेकिन गांव के मामले में ये चीज़ बहुत नोटिस किया जाता है कि आप इजाज़त लेते हो या नहीं, ये भी इज्जत में तोला जाता है। अगर आप सामने वाले की इजाज़त नहीं लेते, तो आप उसका डिसरिस्पेक्ट करते हो।
तो ऐसे डिसरिस्पेक्ट करने वाले मर्दों से गांव की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पटती। तो अगर आप गांव की लड़की को पटाना चाहते हो तो फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखो, लोगों से इजाज़त लेकर ही कोई भी काम करो।